नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेट की गर्मी से होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, जो कि हम लोग उसे ज़्यादातर पीड़ित हो जाते हैं। तो उसी बीमारी के हम घरेलू टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन लोगों में हो रहा है, और वायरल इन्फेक्शन के जब ये केस बढ़ रहे हैं तो इनके साथ में लोगों के गले में भी मतलब इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से बहुत से लोगों का पेट खराब हो जाता है। और तो जब पेट खराब होता है तो मुंह के छालों की जो समस्या है बहुत ही आम समस्या है। तो आजकल लोगों में वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ मुँह के छालों की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो जिन लोगों में मुंह में छाले हो जाते हैं, जिन लोगों ने अपनी मुंह की समस्या को झेला है, उन्हें ही पता होता है कि जब मुंह में छाले हो जाते हैं तो खाना खाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। और उनको इस प्रॉब्लम से निमटने के लिए वो बहुत सारे कोशिश भी करते हैं कि किस तरह से हमारे मुंह के छाले जो है सही हो जाएं। लेकिन ज़्यादातर जो पेट की गर्मी की वजह से छाले होते हैं, और या फिर ज़्यादा हम तेलीय चीज़ अगर खाना शुरू कर देते हैं, फास्ट फूड इत्यादि हम खाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे जो पेट में जो गर्मी है वो बढ़ जाती है, और पेट की गर्मी की वजह से ही हमारे मुँह में छाले होने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मुंह में छाले होने की वजह से खाना खाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और यदि आप मुंह के छालों से परेशान हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स बताऊंगा, जिससे आपकी पेट की गर्मी कम होगी और आपके छालों में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूँ आपका अपना फैमिली हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर AK सिंह, और यहाँ पर बातें होती हैं हेल्थ और फिटनेस की, और आपको सही जानकारी और सही सलाह दी जाती है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तरीका है वो है शहद, हनी का प्रयोग। आपको ज़्यादातर लोगों को हनी के इस फायदे के बारे में नहीं पता होगा कि यह छालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, स्पेशली यदि पेट की गर्मी की वजह से आपके मुंह में छाले हो रहे हैं, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है। और आपको इसको प्रयोग कैसे करना है, आपको शहद में अपनी उंगली को डुबा देना है, और उसके बाद उंगली में आपको जो शहद आ जाएगा उसके मुँह के अंदर जो छाले हैं उस जगह पर आपको सही से आपको उसको लगाना है। जैसे कि ज़्यादातर होठों पर रहते हैं तो ये इस तरह से ऐसे ऐसे छालों के ऊपर शहद को अच्छे से रगड़ देना है, और रगड़ने के बाद फिर उसको थोड़ी देर के लिए मुंह को छोड़ दीजिएगा। ऐसे ही मुंह के अंदर जो राल आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में, तो उस राल को बाहर थूक दीजिएगा। ऐसा करने से आपके जो छालों में काफ़ी ज़्यादा आपको राहत दिखाई देगी, और इस प्रोसेस को आप दिन में 4 बार करिएगा तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको नमक के पानी से आपको गरारे करने हैं, क्योंकि नमक में एंटीसेप्टिक गुण होता है जो कि छालों को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हमें मदद करता है। आपको 1 गिलास पानी लेना है, और 1 गिलास पानी में लगभग 1 चम्मच आपको नमक मिला लेना है, और मिलाने के बाद उस पानी से अपने मुंह में गरारे करने हैं। तो गरारे करने से आपके छालों में जो सूजन हो रही है, जो आपको दर्द महसूस हो रहा है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि जब छाल मतलब आप गर्म पानी से अपना कुल्ला करते हैं तो आपके मुंह में नमकीन स्वाद बन जाता है, उस नमकीन स्वाद को हटाने के लिए आप सादा पानी से फिर बाद में कुल्ला कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा छालों में बहुत राहत मिलेगी। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो तरीका है वो है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमारी किचन में रसोई में बहुत आसानी से मिलने वाला एक साधारण मसाला होता है। इसका प्रयोग हम अपने बॉडी के इन्फेक्शन को मिटाने के साथ साथ मुंह के छालों में और छालों में जो दर्द हो रहा है, जो सूजन है, उसको दूर करने के लिए भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको करना क्या है, आपको हल्दी पाउडर थोड़ा सा लेना है और थोड़ा सा पानी मिला के उसका पेस्ट बना लीजिएगा, और उस पेस्ट को सुबह शाम 2 बार अपने छालों पर अच्छे से उसको लगा लीजिएगा। ऐसा करने से आपके जो मुंह में छाले आपके हो गए हैं उसमें आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इस प्रोसेस को आप दिन में 2 बार करिएगा, सुबह शाम 2 बार करेंगे तो आपको बहुत जल्दी अपने छालों में राहत दिखाई देगी। तो फिलहाल एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको
पेट की गर्मी से होने वाले जो छाले हो जाते हैं मुंह में, उनसे कैसे राहत पाया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।